Yes, question on Dirichlet condition. If fx is of the form x from interval 0 to pi, function की दो values हैं, एक है x एक 2 pi minus x और कदो एक 0 तो pi ली है, एक from pi to 2 pi. Next, we have to deduce that this relation 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square and so on, this is equal to pi square by 8. हाँ जी, अपन पता है कि अपनी फोरियर सीरीज की होती है fx equal to a naught by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx. सो उसे ले अपन a naught an bn पहला फोरियर कांस्टेंट्स जो है फाइंड कर. फर्स्टली वी नो a naught की होती है 1 upon pi 0 to 2 pi fx dx, बिकॉज जो अपना कंप्लीट इंटरवल है ना वो 0 to 2 pi है. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव ए नोट की बन गया 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई fx dx. पर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग वी ब्रेक इन दिस इन टू इंटरवल्स फ्रॉम 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई. और जो 1 अपॉन पाई है वो एज इट इज, बट 0 टू पाई वास्ते अपने को जो फंक्शन है उसकी वैल्यू की है बेटे x. इसी तरह पाई तो लेके 2 पाई वास्ते अपने को फंक्शन की वैल्यू की नहीं है 2 पाई माइनस एक्स डीएक्स. और 1 अपॉन पाई एज इट इज हले इंटीग्रेशन बेटे ऐसी करेंगे, वही सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू जो इंटरवल है. नेक्स्ट एक्स डी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गई और 2 पाई माइनस एक्स डी 2 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गई. एंड जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है फॉर दिस इंटरवल 0 टू पाई एंड फॉर दिस इंटरवल पाई टू 2 पाई. नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. In this interval, when we substitute, this become pi square by 2 and lower limit 0 है, तो वो जरूरत नहीं है substitute कर ले. इस दे substitute कितना बेटे 2 pi, so 2 pi करना सीधा ये 4 pi square बन गया. और इसे substitute कितना इसे square करने दे बन गया 4 pi square upon 2. Now lower limit ली negative sign आएगा, so this become pi मतलब 2 pi square. इतने negative sign negative positive बन गया क्योंकि lower limit तो negative sign है, so this become pi square by 2. पाई स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 2 वाले दो टर्म्स हैं, तो 2 टाइम्स बन गई हैं जो इंटर्न पाई स्क्वायर की रह गई. एंड 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिंपली 2 पाई स्क्वायर और इधर भी 2 पाई स्क्वायर वीडियो कैंसिल हो गया. सिंपल कैलकुलेशन है. नेक्स्ट जो बाहर पाई पे अपना कैंसिल हो गए, a नॉट कितना आ गया पाई का. नेक्स्ट कांस्टेंट इज आवर an, देन an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई f(x) पर an के नाम की हमने cos nx function आंदे और bn के नाल sin nx function आंदे बेटे. सो अकॉर्डिंग टू दैट आवर फार्मूला ऑफ an दे विच अपन ने सारा सब्स्टिट्यूट करता. नेक्स्ट फिर वो स्टेप्स है भी अपन इसमें ब्रेक करना है. 0 तो पाई जाने और पाई तो कितने जाने बेटे 2 पाई और उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन की वैल्यू x एंड 2 पाई माइनस x अपन ने अपने क्वेश्चन के बीच होती देख के लिख दी. नेक्स्ट की स्टेप है भी देखो, ये दोनों ही अपने फंक्शन है जिसमें सामने दोनों ही इंटीग्रल बाय पार्ट्स करना पड़ेगा. पर अपना अगर इसमें इजी बना सकते हैं बिकॉज वी नो इतने अपन डिफरेंस लग रहा है पूरे की है 2 पाई माइनस x फंक्शन और लिमिट्स की आ रही है पाई तो 2 पाई, तब बेटा अपन इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेने हैं. वही सिंपली जो हम चेंज लग रहा है 2 पाई माइनस x फैक्टर उसमें ही सब्स्टिट्यूट कर लेने हैं. सम अनदर वेरिएबल इज इक्वल टू t और जब ऐसे कुछ पुट करते हैं जिसमें we have to change a whole integral in new variable t. So we will find dx and limits of integration. So dx find कितना था minus dx dt आ गया और you can say dx की value कितनी आ गई बेटे आपका बोले minus dt आ गया. Next limits of integration is the limits है x भी है y and 2 pi when x is pi when x is 2 pi. जब तो मैं उन्हें x में pi substitute कितना बेटे 2 pi minus pi t की value pi ही आ गई और जब मैंने x को 2 पाई सब्स्टिट्यूट किया है थे तो दोनों सेम बन गए, रिजल्ट की आ गया 0. सो मेरे को ये पाई और 0 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गया. दोबारा फिर अपन फिर उसी स्टेप पे मूव करते हैं. दिस होल टर्म जो पहली टर्म है उसे कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज लिखती और जो बाहर 1 बाय पाई बट हियर प्लस पाई टू 2 पाई बट पाई के अपना पाई सी ना और 2 पाई के 0 बने हैं बेटे. देन 2 पाई माइनस x में से b कितना सी cos ऑफ n व्हाट इज वैल्यू ऑफ x फ्रॉम वैल्यू ऑफ हियर x इज 2 पाई माइनस t. 2 पाई माइनस t अपनी आ गई और dx की वैल्यू माइनस dt आई सी तो मैंने माइनस साइन बाहर लिख दिया बेटे dt आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन की है आप इसमें फर्दर कैलकुलेट कर दिए. देखो बेटे ये अपना पूरा सेम बन रहा है पर जो लोअर लिमिट है 0 आप इसमें चेंज कर लेने हैं. b
बिकॉज़ ये लोअर लिमिट है अपनी और ये अपर लिमिट है, मतलब अपना जो 0 नु 0 टू पाई बनाने दे लिए सेम इंटीग्रल बनाने दे लिए और यू कैन से लोअर लिमिट को नीचे रख ली अपन चेंज ऑफ लिमिट्स कर देने हैं जिधर एक नेगेटिव साइन आएगा सो दिस बिकम पॉजिटिव साइन एंड दिस बिकम 0 टू पाई. नेक्स्ट स्टेप इज 2 पाई माइनस टी. यस वी नो कॉज ऑफ फंक्शन इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई. दिस मींस उसमें देयर इज नो चेंज इन कॉज ऑफ फंक्शन व्हेन वी आर कॉज क्या कर रहे हैं 2 पाई माइनस थीटा. सो दिस मींस वो सेम ही रह चुका उसका पीरियड 2 पाई है सो कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा और वो थीटा कितना बन जाएगा एन टी बिकॉज एल हमारे बाहर आ रहे हैं और थीटा कितना बेटी टी कॉज ऑफ एन टी. नेक्स्ट फर्दर इज अगेन वी नो इफ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल इज वी कैन चेंज वेरिएबल टू टी एक्स और जो भी अपन वेरिएबल चाहिए. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल कम्प्लीटली वी सिंपली चेंज दिस इन एक्स वैल्यू. सो जो भी टर्म्स है उसमें अपन ने एक्स भी चेंज करता और उड़े की लगाता बिकॉज ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होंगे अपना कॉस थीटा बिकॉज ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2. सो दिस होल इंटीग्रल एंड दिस फर्स्ट इंटीग्रल दे दोनों सेम बन के ऑन सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग वन फैक्टर 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू ए. इसे नाल क्या हो गया बेटी अपन को थोड़ा सा इको इंटीग्रल में सॉल्व करना पड़ेगा. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सही है सॉल्व सेम है और फंक्शन भी सेम है तो अपन टू टाइम्स करके नाउ वी कैन सॉल्व इट. सो अपन सॉल्व किए करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देने हैं फर्स्ट फंक्शन एक्स लेके और सेकंड फंक्शन कॉस ऑफ एन एक्स. सो दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉन्स्टेंट नीचे आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 टू पाई और जो बाहर 2 बाय पाई है जो जैसे 0 सब्स्टिट्यूट करनी है लोअर लिमिट तभी फंक्शन 0 बन जाना है और पाई दे भी बिकॉज साइन ऑल पाई आर 0. दिस मींस फर्स्ट जो फैक्टर है वो हर एक बार खत्म हो रही है. नाउ इजी इंटीग्रेशन दोबारा फेयर करनी पैनी है और साइन की इंटीग्रेशन जो होती है बेटी वो नेगेटिव होती है एक नेगेटिव साइन बाहर पे है तो दिस बिकम कॉस एन एक्स अपॉन एन यू कैन ऑलरेडी सी गा सो दिस बिकम एन स्क्वायर. नाउ वी अप्लाई लिमिट्स हियर कॉस एन पाई एंड कॉस 0 एंड कॉस 0 इज 1 और जो एन स्क्वायर है बेटी दोनों ही टर्म्स के नाल आ रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन करनी है अपन. Now you know cos n pi, we don't know be even any order. This means we simply substitute cos n pi is equal to minus 1 the raised to power. So this is our a. Next our Fourier constants a naught, a n. Now next is to find bn. Bn the formula is 1 upon pi 0 to pi fx. A sub to same hai, par bn de vich naal ki aa janda hai sin fx aa janda hai beti. सेम स्टेप्स से अपन इसमें सॉल्व करेंगे इस भी यानी इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बट नाउ वी आर गेटिंग रिजल्ट इज इक्वल टू 0. सो ये जो मतलब अपन स्टेप्स कितने हैं बेटे फोरियर कांस्टेंट्स फाइंड करने दे ये अपन पहला भी कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट जो अपना मेन क्वेश्चन है अपन उससे फर्दर मूव कर दे हैं पाई 1 जो अपना फोरियर का फार्मूला से अपन उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हैं ए नोट दी वैल्यू पाई आर इसलिए अपॉन 2 प्लस मिशन दिस इज अवर ए एन कॉस एन एक्स आना ही है और बी एन की वैल्यू क्या है अपनी 0. नेक्स्ट इज पाई बाय 2 दिस इसमें ओपन करा जा रहा है एक भी हमने खत्म हो जाता अगर मैं ये रिलेशन ना लेके आनू क्या जाता बट अपन क्या जा रहे हैं रिड्यूस्ड है. दिस मींस इट मींस अपन उस मिशन को ओपन कॉर्नर करना है. जो तो अपन मिशन को ओपन करेंगे बेटे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एन 2 3 बिकॉज एक्स मिशन स्टार्टिंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एरी वैल्यू कितनी हो जा रही है फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी अपनी वैल्यूज जा रही है. सो व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 1 2 3 ऑड टर्म्स अपन को रह जाएंगे इवन 0 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ जब एन ने मुझे 2 कितना बेटे ही बन गया 1 और 1 माइनस 1 की बन गया 0. सो इवन टर्म्स 0 बन रही हैं और ओड टर्म्स अपन को ले बच रही हैं cos x upon cos 3x upon cos 5x upon and so on. और एक और की चीज है इतने की बच चुका माइनस वन पीछे की माइनस वन है माइनस टू बच चुका माइनस टू में टू टू इज माइनस फोर. सो बेटे ये अपा को जो है अपा को रिलेशन आ गया. फर्दर तुसी हमें चेक करो कि मेरे को इस रिलेशन और इस रिलेशन के बीच की फर्क है बेटे कॉज ऑफ एंगल्स आ रही है बट अपन तो सिर्फ वन अपॉन वन स्केयर या थ्री स्केयर ही चाहिए. दिस मीन्स कॉज फंक्शन नहीं होना चाहिए
मतलब उसी वैल्यू होनी चाहिए, या कॉस फंक्शन खत्म नहीं हो गया। दिस मीन्स वी सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज कॉस 90 का जीरो होंगे अपने फंक्शन खत्म हो जाएंगे, आपका फंक्शन भी खत्म नहीं करना है, उसी वैल्यूज भी एज इट इज रहेंगी, अपने सॉल्व करना है और वो आप देखना है कि आपका की एक्स की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस इंटरवल, वी सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो एक्स जीरो किया बेटे चेक कर सकते हो अपने जो टर्म्स रिक्वायर्ड है वो आ रही, बट लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ जीरो आ गया। सो दिस इज अवर मेन पॉइंट। नाउ हियर वी डिस्कस ट्रिकलेट कंडीशन। सो टू फाइंड एफ ऑफ जीरो, यस हमने अपने डिस्कस की किया, सो ट्रिकलेट कंडीशन की कहती है लेफ्ट हैंड जो लिमिट होंगी है, जो राइट हैंड लिमिट होंगी है, उन्होंने अपना मीन लिया जाता है। सो पॉइंट केड़ा है अपना जीरो होते हैं, सो जीरो प्लस जीरो माइनस अपॉन टू। फंक्शनल वैल्यू देखनी है अपने, इस दी राइट हैंड पे फंक्शनल वैल्यू देखनी है। नाउ तुसी इस फंक्शन से आओ, मतलब जीरो प्लस आपका फंक्शन हो देखने है भी जीरो प्लस वाली वैल्यू हो, तो तुसी चेक कर सकते हो अपनी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। सो फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी अपनी, एक्स आएगी, बट पॉइंट की अपना जीरो है, जिसमें एक्स में जीरो सब्स्टिट्यूट करता तो अपना रिजल्ट की बन गया बेटे जीरो बन गया। नेक्स्ट इज जीरो माइनस राइट हैंड लिमिट, जीरो तो पीछे वाली वैल्यूज देखनी है, फंक्शनल वैल्यूज देखनी है। देन अगेन पैसे भी हम बिकॉज एट वाज द पाई टू 2 पाई वाज से, ये वाज तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, अपना जो फंक्शन डिफाइंड है राइट हैंड लिमिट वाज से उसी वाज से भी एक्स है, तो वैल्यू जो फंक्शनल है वो एक्स है, बट पॉइंट अगेन इज जीरो। So when we are substituting this zero, so this becomes zero plus zero upon two. और तुमने पता ही है बेटे mean जो अपन लिखता तो उधर कोई फर्क नहीं पे आप result की आ गया zero. So Dirichlet conditions की कहती है ने we are seeing at the point of discontinuity we are discussing left hand and right hand limit, उसका mean आप discuss किता है. So जो तो discuss किता तो आपको कोई value easy आ गई f of 0 की वैल्यू क्या आपकी बेटे 0। नाउ हम अपन वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो इथे 0 आ गया, दिस होल टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप इज पाई बाय 2 इधर आ जाएगा, माइनस साइन का बन जाएगा और माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, और जेड़ा इधर 4 बाय पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके की हो जाएगा पाई बाय 4 बन जाएगा, और दिस बिकम पाई स्क्वायर बाय 8, और दिस होल सीरीज दैट इज 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर एंड 1 बाय 5 स्क्वायर जो अपन नु रिक्वायर्ड्स। सो क्वेश्चन इज एक नवा स्टेप ऐड हो जाता है जिस अपने ट्रिकलेट कंडीशंस फाइंड करनी है ने, बिकॉज़ वी हैव टू रिड्यूस दिस रिलेशन। सो वी हैव टू फाइंड ए नॉट ए एंड बी एंड एस वी हैव डन अर्लियर, बट नेक्स्ट स्टेप इज टू किस पॉइंट पे डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भी फंक्शन खत्म हो रहे हैं टर्म्स बच रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने जीरो पॉइंट सेलेक्ट किया एंड ट्रिकलेट कंडीशंस की कहती है अपने मीन लेना है राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स का। सो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जरूर एक्स आया, पर क्योंकि पॉइंट ही जीरो है सो इस करके वो जीरो प्लस जीरो बन गया, और अगर सपोज पॉइंट पाई बाय 2 होता देन दैट बिकम पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 अपॉन 2 जो भी है अपना, वो फिर अपना एफ ऑफ पॉइंट करके जो उसकी वैल्यू आ जाती, पर इस वैल्यू ही इजी अपने जीरो पॉइंट डिस्कस करनी है तो अपना रिजल्ट जीरो आया, जब अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है बेटे सो अपना रिजल्ट की आ गया डिस्कशन।